कुछ अलग बात करने का मन हुआ, कुछ नया जानने का मन हुआ, कुछ नया सीखने का मन हुआ, तो आप और हम YouTube पर आते हैं और आकर नई नई चीजें सीखते हैं। मैंने भी जब 2016 के मिड में अपना चैनल चालू किया था, उस समय बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहा था, लेकिन यह सही है कि मुझे वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी। वो लोग जो मेरे वीडियो देख रहे थे वो तो अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन ज्यादा लोग आ नहीं रहे थे मेरे वीडियोस को देखने के लिए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि सितंबर मंथ में जब मेरे पहली बार 100 सब्सक्राइबर हुए थे, 2016 की बात ही है, मैं बहुत खुश था, लेकिन रीजन समझ में नहीं आ रहा था कि जब मुझे पहले 30 सब्सक्राइबर मिलने में इतना वक्त लग गया तो ये 100 कैसे हुए, और एक ही हफ्ते बाद 200 हो गए। जी हाँ, विद इन वन वीक 200 सब्सक्राइबर हो गए। तब मेरी निगाह पड़नी शुरू हुई कि आखिर में मुझे ग्रोथ कैसे मिलती जा रही है। मैंने ध्यान से नोटिस किया तो अक्टूबर तक मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए थे और उसके बाद तो पर लग गए, ये सब्सक्राइबर बढ़ते गए। जब सब चीजों पे गौर किया, लोगों ने बात की, तब ये पता पड़ा अपने कमेंट से कि सब लोग इस बात को कह रहे थे कि हाँ सर, अब हम आपके वीडियोस देखते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। मैंने पूछा क्यों, पहले भी तो मैं वीडियो बना रहा था, सबका ये कहना था सर जियो आ गया ना, अब हमें डेटा मिल गया और हम खुल के आपके वीडियो देख सकते हैं। हाँ, मैं एडमिट करता हूं कि जियो के आने के बाद से मेरे चैनल को सचमुच में एक अच्छी ग्रोथ मिली है और मुझे मेरी मेहनत का फल मिलने लग गया है। अगर जियो नहीं होता तो शायद मुझे ये ग्रोथ नहीं मिलती, लेकिन मैं अच्छे अच्छे वीडियो उस समय भी बना रहा था जब मेरे वीडियो उतने नहीं देखे जा रहे थे, और आज भी बना रहा हूं, लेकिन आप देख पा रहे हैं शायद यही वजह है, क्योंकि जियो ने मार्केट के प्रशिक्षण को बदल दिया, बाकी कंपनीज को भी मजबूर किया कि वो डेटा दे, और यही वजह है कि डेटा इजिली अवेलेबल हुआ तो आपका भी मन हुआ कि हम अच्छे अच्छे वीडियोज यूट्यूब पर आकर देखें। मुझे वीडियोज को और बेहतर बनाने में भी डेफिनेटली इससे हेल्प मिली, क्योंकि जब वीडियो बनाते थे उसे अपलोड करने जाते थे तो नेटवर्क बहुत स्लो होता था और हर जगह अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट नहीं मिलता था। अब मैं कभी कभी तो आपने देखा है, मैं ऑन रोड ऑन साइट कहीं भी खड़े होकर लाइव सेशन कर लेता हूं। बिल्कुल, जियो ने अच्छी स्पीड हमें दे दी इंटरनेट की, जिसमें कि अपलोड स्पीड भी अच्छी थी, जो कि हम यूट्यूबर्स के लिए बेहतर थी, और यही वजह है कि मैं आपके साथ ज्यादा बेहतर ढंग से कनेक्ट कर पाया। हाँ, मैंने बहुत सारे तरह के वीडियो बनाए, न्यूज दी आपको, रिव्यूज दिए, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे बात की, और उन वीडियो को आपने देखा। अब बात इस पर आ गई है कि मैं अब आगे क्या बनाऊं जिसे आप और पसंद करें, यानी अपने इंटरनेट का बेहतर इस्तेमाल कर सके। तो आपसे कुछ सजेशन चाहता हूं, आप मुझे बताएं आप इनमें से किन चीजों को ज्यादा वेटेज देना चाहते हैं। क्या आप न्यूज को ज्यादा देखना चाहते हैं? जी हाँ। या आप रिव्यूज ज्यादा देखना चाहते हैं? हालांकि रिव्यूज में मुझे बहुत मेहनत पड़ती है, धूप में खड़े होकर कई घंटों तक शूट करना पड़ता है, वो भी मुझे बताइएगा। और साथ ही मुझे बताइए, क्या आप नई टेक्नोलॉजी को ज्यादा बेहतर समझना चाहते हैं, या किसी कार के बारे में बेहतर बात करना चाहते हैं, या सेफ्टी फीचर्स के बारे में अवेयरनेस कैंपेन देखना चाहते हैं? जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि मैं किस तरह के वीडियो आपको बना के दे सकूं, ताकि आप अपने डेटा का बेहतर इस्तेमाल कर सके। लिखना ना भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन पे। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिएगा आस्क कारगुरु।